तस्वीरें पानीपत की हैं, जहां 26 दिनों से लापता युवक का शव गंदे नाले में तैरता हुआ मिला। मिली जानकारी के अनुसार सफाई कर्मचारी गंदे नाले की सफाई कर रहे थे, तो सफाई के दौरान युवक का शव मिला, जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त करते हुए इसकी सूचना परिवार वालों को दी, जिसके बाद परिवार वालों ने युवक के शव की पहचान की। ये लापता हुए थे 8 जनवरी से। उसके बाद हम लोग बहुत ढूंढे, ढूंढने के बाद तो नहीं मिला। जब आज सफाई कर्मचारी नाले से उसको निकाला था, हम लोग को पता लगा, वहाँ गए तो सच में देखे कि ये मेरा ही बंदा है। हाँ जी, क्या काम करते थे? ये रिक्शा चलाते थे लोहे की दुकान पे। हाँ जी, तो कब से रह रहे थे पानीपत में? 7-8 साल से रहते थे ये। कैसे दूसरा गुस्सा भाई, पता कैसे चला कि कोई निकाला उसको? तो हम लोग को पता लगा, तभी हम लोग आए वहाँ तो देखे उसका पैर का एक उंगल कटा हुआ था, उससे हम लोग को पहचान हो गया, और उसका पैर का नाखून से पहचान हो गया, शकल से तो पहचान नहीं हो रहा था। क्या लगता है? वैसे गांव घर का वैसे भाई लगता है हम लोग। क्या लगता है आपको, कैसे मौत हुई? ये तो हम लोग को पता नहीं एग्जैक्टली सर कैसे मौत हुई, ये पता शक तो नहीं है वैसे हमको। सर ये गोपालदास सरिये वालों के पास ये लड़का काम करता था वहाँ पर, और ये पिछले 8 तारीख को वहाँ से गायब हो चुका था। इसकी यहाँ पर चांदीमक थाने में रिपोर्ट भी लिखवा रखी थी, और ये आज सर हमारे को ये पता लगा है कि यहाँ पे इनकी सर नाले के पास डेड बॉडी मिली है इनकी। और ये यहाँ पे और जो लड़के रहते थे इनके साथ में, बिहार के रहने वाले हैं ये सर, ये और ये सारे और लड़के और आए हैं, इनकी छानबीन करवा रहे हैं और इनकी डेड बॉडी को ले जाके पोस्टमार्टम करवाएँगे, फिर इसका दाह संस्कार करवाएँगे सर। ये अपना सनोली रोड पर मलिक पेट्रोल पम्प है, उसके पास गंदा नाला है। उस गंदे नाले में सफाई कर्मचारी नाले की सफाई कर रहे थे, उसमें शव मिला था। ये पहले यार गुम हो गया था, इसका मुकदमा पहले ही दर्ज है 9/1/2022 में। हाँ, शिनाख्त हो गई है, उसके गांव के सदस्य यहीं बैठे हैं। ये बिहार के रहने वाले हैं। कितनी उम्र है इसकी? लगभग 36-37 साल की उम्र है। कोई चोट का निशान नहीं? कोई चोट का निशान नहीं है, बाकी डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम करेंगे, जो भी बताएंगे उसी कार्रवाई हो जाएगी। जी कारण तो डॉक्टर साहब बता पाएंगे। जी सर, सेक्टर 24 के साथ में सनोली रोड के ऊपर ही गंदा नाला। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान बिहार के रहने वाले के तौर पर हुई है, जो पिछले 7-8 सालों से पानीपत में रह रहा था और पिछले 26 दिनों से लापता था। साथ ही परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार युवक रिक्शा चलाने का काम करता था। युवक की मौत की वजह क्या रही, अभी इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मृतक युवक के शव का सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की मौत कैसे हुई, इसका खुलासा हो पाएगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।